असलम डी लर्नर्स पोटेंशियल ऑन टिप न्यूज एंड ऑन टिप न्योज वेलकम इन द वीडियो बात कर रहे हैं हम प्राइस की विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव कंसर्न फॉर एनी बिजनेस मैन बिकॉज हमने बात की थी कि प्राइस ही वो एक आ, आ, जो है मार्केट का पी है जो रेवन्यू जनरेट कर रहा होता है जिसमें आपकी कॉस्ट भी होती है और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी होता है हम बात कर चुके हैं कि जो प्राइस है कस्टमर जब आपको वो पे करेगा तो वो पे करते हुए उसके माइंड के अंदर एक प्रोसेसिंग होगी और वो माइंड प्रोसेसिंग किस तरह से होगी कि वो अपनी लास्ट परचेज अगर उसने सिमिलर प्रोडक्ट परचेज़ की हुई है तो और उसके साथ साथ अगर उसको उसके फ्रेंड्स ने या उसकी फ़ैमिली ने किसी ने रेकमेंड कर दिया है या उसने ऑनलाइन को रिव्यूज़ या प्राइस देख ली हैं या आपने को एडवर्टाइज़ किया है उससे ज़रूर कंपेयर करेगा आपकी कंपेटिटर्स जो सिमिलर प्रोडक्ट या याल्टरनेट प्रोडक्ट्स आपके लिए बाय कर रहे हैं उससे ज़रूर कंपेयर करेगा लाइकवाइज जब आप प्राइस चार्ज कर रहे होंगे तो ये बहुत डिपेंड करेगा कि आपके प्रोडक्ट टाइप क्या है आप किस मार्केट में बेच रहे हैं किस को बेच रहे हैं और आपकी कंपेटर्स किस तरह की प्रोडक्ट बेच रहे हैं और प्लस क्या आपका कस्टमर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है या नहीं है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज की भी हमने बात की थी कि बहुत डिपेंड करेगा कि आप प्राइसिंग स्ट्रेटी क्या अडॉप्ट करते हैं उसमें हमने कहा था कि पहले तो ऑब्जेक्टिव अपना देखिए कि आप सर्वाइवल पे हैं या आप अपना सिर्फ एक साल का प्रॉफिट मार जो मार्जिन है उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं क्या आप अपनी जो इन्वेंट्री जो बिक नहीं रही है उसकी कॉस्ट जो है सिर्फ उसको रिकवर करना चाह रहे हैं या मार्केट शेयर बढ़ाना चाह रहे हैं डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव क्या है उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे आपकी न्यू प्रोडक्ट है तो स्कीमिंग में जा सकते हैं या पैन्यूट्रेशन प्राइसिंग में जा सकते हैं अगर तो आपने थोड़ा साइकोलॉजिकल जिसे कहते हैं कंज्यूमर माइंड के साथ प्ले करना है तो आप बंडल ऑफरिंग में चले जाते हैं बंडल ऑफरिंग वैसे लाइन प्रोडक्ट्स के लिए भी होती हैं लेकिन बंडल ऑफरिंग में चले जाते हैं या फिर आप रेफरेंस प्राइसिंग में चले जाते हैं या इवन आउट प्राइसिंग में चले जाते हैं या वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में चले जाते हैं और अगर आपकी एक प्रोडक्ट की रेंज है एक लाइन है तो आप कैप्टिव या आप प्रीमियम प्राइसिंग में जा सकते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को एडजस्ट भी किया जाता है यानी ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस शुरू हुआ और या आपने ग्रो किया और आपने एक प्राइस जो है उसको अडॉप्ट किया और उसके बाद आपने कभी स्ट्रैटी को चेंज नहीं करना आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटी चेंज होती रहती है देखिए प्राइस एक बड़े लंबे चौड़े प्रोसेस के बाद जाके आपने जो है वो डिसाइड की होती है जितने भी अगर हम स्टेप्स देखना चाहें तो सबसे पहले आप क्या करते हैं बेसिकली आपके जहन में क्लियर होता है कि आपका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है क्या जो हमने डिस्कस कर लिया हमें फिर आप उसके बाद देखते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड है कितनी थोड़ी टेक्निकल बातें हो जाएंगी लेकिन आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि इलास्टिक या इन डिमांड को भी हम देखते हैं क्या आपकी प्रोडक्ट अगर उसकी प्राइस आप ज़्यादा चार्ज करेंगे तो क्या कंज्यूमर बहुत आसानी से आपकी प्रोडक्ट छोड़ के किसी और तरफ चले जाएँगे किसी ऑल्टरनेट प्रोडक्ट की तरफ चले जाएंगे या आपकी प्रोडक्ट या सर्विस या एक्सपीरियंस इतना अहम है कि अगर आप हाई प्राइस भी चार्ज करें तो डिमांड इसकी कम नहीं होगी बिकॉज़ प्राइस और डिमांड में एक इनवर्स रिलेशनशिप है यू इंक्रीज़ द प्राइस इट विल रिड्यूस द डिमांड इट यू विल रिड्यूस द प्राइस इट विल इंक्रीज़ द डिमांड ये हम सेल्स जब लगती हैं तो उसमें भी हम देखते हैं सो अगेन ये बड़ा डिपेंड करेगा कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड है क्या अगर आप किसी यानी कि अगर आप कोई मेडिसिन बना रहे हैं और वो मेडिसिन ऐसी है जो अभी रिसेंटली कोई ऐसी डिजीज़ है ये मिसाल के तौर पर आजकल जैसे डेंगी है तो डेंगू के लिए आपकी वो जो मेडिसिन है वो बहुत जिसे कहते हैं यूजफुल साबित हो गया और बहुत डॉक्टर्स इसको लिख रहे हैं सो इफ़ द डिमांड इज़ हाई तो अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप प्राइस थोड़ा हाई भी चार्ज कर सकते हैं सो अगेन इफ़ यू आर वेरी क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव नंबर टू आप ये देखते हैं कि आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस या आपका एक्सपीरियंस जो आप बेच रहे हैं उसकी डिमांड है कितनी ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी पे। फिर उसके बाद कॉस्ट कितनी आपकी इन्वॉल्व हो रही है आपको पता होना चाहिए और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जितने भी टॉपिक्स आगे आएंगे हमने आपको बताया है कि टोटल कॉस्ट क्या होती है उसमें वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है उसमें फिक्स कॉस्ट क्या होती है आप किस तरह से बजटिंग करते हैं किस तरह फोर सी करते हैं अपनी कॉस्ट को बिकॉज कॉस्ट को एस्टिमेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको एग्जैक्टली exactly पता होना चाहिए कि एक यूनिट जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है जिसमें आपकी टोटल और आपकी वेरिएबल और अदर कॉस्ट इन्वॉल्व है वो पर यूनिट आपको कितने का पड़ रहा है कॉस्ट के बाद आप ये ज़रूर एनालाइज करते हैं कि जो आपके कंपेरिटर्स हैं वो किस कॉस्ट पे सेम प्रोडक्ट अगर दिस इज़ द पॉइंटर तो ये पॉइंटर आपके कम्पेरिटर्स या इस पॉइंटर की जो ऑल्टरनेट प्रोडक्ट है वो किस कॉस्ट पे जो है वो प्रोड्यूस हो रही है उसकी क्या प्राइस है उसमें क्या फीचर्स ऑफर हो रहे हैं और मार्केट के अंदर उसका शेयर कितना है सो so, उसके बाद आपने ये ज़रूर सेलेक्ट करना है कि आपने प्राइस का मेथड क्या अडॉप्ट करना है दे मल्टीपल वेज विदाउट मेकिंग द टॉपिक कॉम्प्लेक्स सादा लफ्जों में अगर आप ये चाहते हैं कि आप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी लिख करें तो आप ये देखते हैं कि आपका एक यूनिट कितने का प्रोड्यूस हुआ प्लस उसके ऊपर आप ट्वेंटी परसेंट या ट्वेंटी फाइव परसेंट या थर्टी परसेंट कितना मार्जिन रखना चाहते हैं तो आपकी कॉस्ट प्लस आपका मार्जिन जो आपके पास आएगा वो आपकी प्राइस हो जाएगी या अपनी टारगेट मार्केट देखते हैं आप ये देखते हैं कि आप कितने यूनिट्स सेल कर सकते हैं आपकी टारगेट मार्केट आपको बताती है सुर जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप जो है वो सेल कर सकते हैं जितनी आपको लगता है कि आपके नंबर ऑफ यूनिट्स सेल हो सकते हैं प्लस आपका जितना भी इन्वेस्टेड कैपिटल है और आपकी पर यूनिट कॉस्ट है वो आपको बहुत अच्छा अंदाज़ा दे देगी कि इस टारगेट मार्केट में आप कितना मार्जिन रख सकते हैं आपको यहाँ से भी अंदाजा हो रहा था कि एक मार्केट के अंदर ओवरऑल इस एक प्रोडक्ट के लिए कितना मार्जिन रखा जा रहा है बीस परसेंट पच्चीस परसेंट बाद आप जिस मार्केट के अंदर जा रहे हैं उस मार्केट के अंदर एक रूल सेट हुआ होता है कि हम सब कंपेक्टर्स मिल जो प्रोडक्ट बेचेंगे उस उसमें से हम सब बीस से लेकर पच्चीस परसेंट के दरमियान में मार्जिन जो है वो रखेंगे इससे लो पर कोई नहीं बेचेगा ऐसा भी होता है ताकि कॉम्पटिशन को इकट्ठे मैनेज किया जा सके होम अपलायंसेज जब आप ख़रीदने जाते हैं और एक ऐसी मार्केट हो जिसमें सिर्फ होम अप्लाइंसिस बिक रहे हो वहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आप एक से दूसरे दूसरे से तीसरे तीसरे से चौथे आउटलेट पे जाएंगे तो आपको कमेश एक ही जैसी कीमत और एक सर्टन अमाउंट के नीचे आप देखेंगे वो कीमत आपको नहीं ऑफर कर रहे होंगे तो इट मीन्स के बेसिकली उन्होंने अपना मार्जिन सेलेक्ट किया हुआ होता है सो so अगेन आपके प्राइस जो कैलकुलेट करने का मेथड है वो क्या होगा और उसके बाद कहीं जाके आपकी फाइनल प्राइस जो है वो डिसाइड होती है सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स जो प्राइस सेट करते हुए आप अपने जहन में रखते हैं प्राइस जब प्राइसिंग uh, स्ट्रेटजी की जो एडजस्टमेंट होती है उस एडजस्टमेंट में क्या होता है मिसाल के तौर पर आप ये देखते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है लेट लेटर सपोज वो मार्केट के अंदर अपनी बस क्रिएट करने में कामयाब हो गई है और अब एक अच्छी बस क्रिएट हो गई है और आपकी कंपेटिटर्स जो हैं अब आपको आहिस्ता आहिस्ता कॉम्पिटिशन देना शुरू हो गए हैं तो वाट यू कैन डू आप ऑफर करते कर सकते हैं डिस्काउंट और अलाउंसेज जिस तरह आपने देखा होगा कि एक सर्टन रेंज तक कपड़ों में जिस तरह वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू वॉल्यूम थ्री समर विंटर सब आते हैं फिर उसके बाद ये विंटर सेल्स हैं उसके बाद ये समर सेल्स हैं उसके बाद ये बाहर की सेल्स हैं उसके बाद जो इन्वेंट्री बच जाती है उसकी भी सेल्स हैं गर्मियाँ हो तो सर्दियों के कपड़ों की सेल लग जाती है सर्दियाँ हो तो गर्मियों के कपड़ों की सेल्स लग जाती हैं सो अगेन आप अपनी प्राइसिंग के अंदर चाहे उसकी कोई भी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की हो जब आप एडजस्टमेंट की करते हैं तो आप बात डिस्काउंट्स और अलाउंसेज uh, जो हैं वो ऑफ़र करते हैं सेगमेंटेड प्राइस में भी आप जा सकते हैं बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं हम कपड़ों की बात करें तो चलो इसी की एग्जाम्पल आगे लेके चलते हैं देवर प्रीमियम ब्रांड्स स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने इलीड क्लास के साथ अपर इनकम क्लास के साथ साथ अब मिडिल इनकम ग्रुप के लिए भी अपने ब्रांड को और उसके मुख्तु डिज़ाइंस को कपड़ों को विद कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी लॉन्च किया है सो अगेन डिपेंड कर रहा है आप एक मार्केट सेगमेंट के लिए अपने लिए अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं दूसरे मार्केट सेगमेंट के लिए अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं आप किसी और सेगमेंट के लिए अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं सो so, हो सकता है कि अगर आप मल्टीपल सेगमेंट्स में आपके मल्टीपल टारगेट मार्केट्स हैं, तो आप मल्टीपल प्राइसिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकते हैं लाइक वाइज आपकी प्रमोशनल प्राइसिंग होती है आप का आपने देखा होगा एक ऑनलाइन स्टोर है और वो ऑनलाइन स्टोर एक फ्लैश सेल्स भी ओपन करता है कि एक घंटे के लिए एकदम सारी प्राइस फिफ्टी परसेंट लो हो जाती हैं और उसके बीच में जितने जो परचेस कर लिया कर लिया और उसके बाद वो प्रमोशन विद्रॉ हो जाती है आपको अक्सर अब तो ऐसे में आ जाते हैं मुख्तफ ब्रांड्स के कि ये प्रमोशन चल रही है बाय वन गेट वन फ्री और ये प्रमोशन इस डेट को जाके ख़त्म हो जाएगी सो so, आपकी प्रमोशनल प्राइसिंग भी हो सकती है आपकी इंटरनेशनल प्राइसिंग भी हो सकती है ऐसा थोड़ी है कि आपने सिर्फ लोकल मार्केट में अपनी चीज़ बेचनी है या बिंग अ कस्टमर हम सिर्फ लोकल मार्केट से चीज़ बाई कर रहे हैं हम इंटरनेशनल मार्केट से भी चीज़ बाई कर रहे होते हैं हाँ ये अलग बात है कि आप अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं जोग्राफिकल प्राइसिंग में जाते हैं उसके मल्टीपल इशूज़ होंगे फ्रेड कॉन जो है वो पे करेगा ऑन बोर्ड फ्रेड फ्रेड कॉन पे करेगा इसके बीच में जो टैक्सेस लगेंगे वो कौन पे करेगा अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो ट्रांजिट हुई है उसके बीच में प्रोडक्ट जो है वो डैमेज हो गई है तो वो डैमेज किस तरह से क्लेम किया जाएगा उसको कौन बेयर करेगा क्या प्रोडक्ट इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब वो वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आ रहे हैं तो उसकी इंश्योरेंस भी इन्वॉल्व है ये तमाम चीज़ें इंटरनेशनल प्राइसिंग के अंदर बहुत क्रिटिकल हो जाती हैं और एक होता है लॉस लीडर्स लॉस लीडर्स आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी हम जिसे कहते हैं इंटरनेशनल स्टोर्स हैं या लोकल स्टोर्स भी आप देख लें उनमें चंद एक चीज़ें हैं जिनकी प्राइस बहुत अच्छी होती है लेकिन चंद एक चीज़ चीज़ों की प्राइस बहुत ही लो होती है अब एक्चुअली में होता यह है कि लॉस लीडर्स इस तरह से बनते हैं कि वो जो आइटम आपने अपने आउटलेट में रखी हुई है वो आपका प्रॉफिट मार्जिन जनरेट नहीं कर रहा होता उसके ऊपर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अर्न नहीं कर रहे होते लेकिन उसकी वजह से कस्टमर आपके आउटलेट में ज़रूर आ रहे होते हैं सो आप कोशिश करते हैं कि वंस द कस्टमर इज़ एंटर्ड इन योर आउटलेट तो आप उसको और भी चीज़ें डिस्प्ले करके कंपल्सिव बाइंग के थ्रू आप उससे कोई ना कोई और चीज़ खरीदवा लेंगे सो लॉस लीडर्स भी बन जाते हैं अगेन आई रिपीट हम बहुत से स्टोर्स में जाते हैं और हम हैरान हो जाते हैं कि ये प्रोडक्ट इतनी लो प्राइस पे क्यों है जब हम वहाँ से बाई करते हैं तो कुछ एक्सपेंसिव आइटम्स भी हम बाई कर लेते हैं सो प्राइसिंग स्ट्रेटजी आपकी जो कोई भी है जब आप उसकी एडजस्टमेंट करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं जिसमें डिस्काउंट्स हैं सेल्स हैं हैं मल्टीपल सेगमेंट्स के लिए डिफरेंट प्राइस हैं डिफरेंशिएटेड प्राइस हैं इंटरनेशनल प्राइसिंग के इशूज़ अलग हैं और आप लॉस लीडर भी बन सकते हैं और आखिर में हम बात करेंगे प्राइसिंग uh, की जो के प्राइस वॉर में लेके जा सकती है जिसको हम कहते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग बहुत ख़तरनाक होती है डेलिब्रेटली आप प्राइसेस को हद से ज़्यादा गिरा देते हैं आप बाय वन गेट टू फ्री बाय टू गेट थ्री फ्री ऑफर करते हैं आप कोशिश करते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में हर जगह आसानी से अवेलेबल हो जाए आप अपने कंपेटिटर्स को चैलेंज करते हैं इस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के अंदर वॉल्यूम तो जनरेट हो जाता है बिकॉज uh, जितनी लो प्राइस होंगी उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती है अगेन हमने कहा था कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है यू लोअर द प्राइस तो डिमांड बढ़ जाती है बट अगेन इट ट्रिगर्स द प्राइस वॉर सवाल ये है क्या आप प्राइस वॉर सस्टेन कर सकते हैं इफ़ द आंसर इज़ येस और इफ़ द आंसर इज नो इट डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस योर प्रोडक्ट योर सर्विस और एक्सपीरियंस दैट यू आर सेलिंग एंड स्पेशली द कॉस्ट जो उस प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होती है सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो